मतलब? मतलब तू मेरी शादी में नहीं आएगी। सारदीप, मैं आप दोनों के लिए बहुत खुश हूँ। सच में बहुत खुश हूँ। पर मैं नहीं चाहती कि मेरे वहाँ आने से ऐसी कोई बात हो जाए जिससे आप दोनों के लिए प्रॉब्लम बन जाए। 5 साल बहुत ही लंबा समय होता है और यू नो आई एम श्योर अभी तक तो राम भी नहीं। कुछ घाव वक्त के साथ भर जाते हैं लेकिन उनमें दर्द हमेशा रहता है। मिस्टर कपूर भी अपने पापा को खोने का दर्द और शिवी को खोने का दर्द कभी नहीं भुला पाएंगे, इसलिए मेरा और पीहू का वहाँ ना आना ही बेहतर होगा। बस मतलब मेरे दो सबसे फेवरेट लोग मेरी शादी में नहीं आएंगे, कैसे होगी शादी? होगी ही नहीं ये शादी। हम बस प्रिटेंड करेंगे कि हम बहुत खुश हैं और ये जो मैंने फॉर्मल एंगेजमेंट करने का सजेशन दिया है राइट, उससे टाइम बाय किया है। उस टाइम के चलते हम इस रिश्ते को तोड़ने का तोड़ निकालेंगे। ओके, कोई भी विकी के सामने सच नहीं कहेगा। यू ऑल प्रिटेंड, ओके? सो ब्रीज अ स्माइल, चीयर अप, ऑलराइट? रिएक्ट नहीं करना है, सिर्फ एक्ट करना है। ओके, वी हैव गॉट दिस। गुड मॉर्निंग, बैठो। अच्छा, तुम लोगों ने कल का होमवर्क किया ना, जल्दी पहले मुझे वो दिखाओ। अदिति, तुम्हारे हाथ पर फिर से वही निशान है। कैसे फिर से वही निशान, दिखाओ मुझे, ये कैसे हुआ है? नहीं मैम, ये पुराना है। ये किसका है? अदिति सच सच बताओ मुझे, ये शराब की बोतल तुम्हारे बैग में क्या कर रही है? किसकी है ये? ये मेरे पापा की है। और ये सब निशान भी उन्होंने ही दिए है ना? बच्चों आज आप लोग घर जाओ, कल क्लास कंटिन्यू करेंगे। पर मैम वो चैप्टर बहुत लेंदी है। डोंट वरी, मैं कल कवर कर दूंगी। ओके आप लोग जाओ। अदिति उठो। सच सच बताओ, क्या तुम्हारे पापा तुम्हें मारते हैं? जाओ जाओ और अभी के अभी अपनी मम्मा को बुला कर लाओ। जाओ। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।